हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये मैंने ऑनलाइन हार्ड डिस्क का जो केसेस होता है वो मंगवाया है। इसमें आप हार्ड डिस्क SSD 2.5 इंच की जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि अपने पुराने लैपटॉप में या फिर लैपटॉप में क्या है कि SSD जो डाल देते हैं और जो हार्ड डिस्क है वो निकलती है हमारी, तो उसका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है दोस्तों कभी कभी, क्योंकि इसमें अभी हमारी जो हार्ड डिस्क है वो उसको मैंने रिमूव किया, तो उसमें मेरी फ्लैश फाइल और बहुत सारी फाइलें पड़ी है, सॉफ्टवेयर फाइलें वगैरह वगैरह, तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने ये केसेस मंगवाया है। इससे पहले मैंने एक केबल मंगवाई थी दोस्तों, SATA 2 USB केबल, तो वो इसमें वर्क ही नहीं कर रही थी। तो अभी इसको देखते हैं हम ये वर्क करता है या नहीं। 2.5 SATA USB है, 3.0। तो देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन मंगवाया है मैंने फ्लिपकार्ट से। दोस्तों, इसमें ये बक्सा निकलता है और ये जो है ये केबल है हमारी, जिसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। एक तरफ USB और दूसरी तरफ इसका केसेस का, केसेस की पिन है इसमें। ये हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो ये वाला है। इसके ऊपर दोस्तों ये लेमिनेशन पन्नी जो लगी हुई होती है, इसको रिमूव कर लेना, या फिर रिमूव नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन मैंने कर दिया इसको। और दोस्तों, आपको बीच में से दबा के इसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। ये जो हमारी LED लाइट होती है वो नीचे रखनी है और ऊपर से दबाना है। तभी मैं इसको दबा के नीचे की तरफ स्लाइड जो है वो करता हूँ, नीचे खींचता हूँ, तो ये देखिए आसानी से जो निकल चुका है। ज़्यादा आप खींचा तानी ना करें, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है, कांच की तरह, तो बहुत जल्दी क्रैक जो है हो जाता है। अभी इसमें हम, और ये जो वाइट कलर की एक टिपकी निकलती है दोस्तों, उसको आपको नीचे चिपका देना है। तो इससे क्या कि हमारी हार्ड डिस्क जो है वो इधर की उधर हिलेगी नहीं। अभी इसमें ये देखिए हमारा छोटा वाला सॉकेट जो इधर की तरफ है, तो इसमें भी आप देख लेना है किस तरीके से लगा हुआ अंदर, इसमें उसी तरीके से आपको हार्ड डिस्क जो इसमें डाल देनी है, या फिर इसमें SSD भी डाल सकते हैं आप। ये मैंने इसमें लगा दिया है। अभी देखिए हमारी हार्ड डिस्क जो है थोड़ी सी ऊँची नीचे हो रही है, इस जो नीचे वो गल लगा हुआ था उसकी वजह से, वाइट वाली टिपकी जो थी उसकी वजह से। और आप भी, आपको ध्यान से फिर से इसको लगा देना है, जो हमारा कवर होता है इसका, इसको लगा देना है। और जो हमारी केबल है उसको इसमें लगा देना है। और दोस्तों, कभी कभी क्या है कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये लैपटॉप में सपोर्ट ही नहीं कर पाती है, तो यदि डिस्क में आपकी 0 जो है वो कुछ भी नहीं बता रही है, तो उसको फॉर्मेट कर देंगे आप तो वो बताने लग जाएगी। अभी मैं इसको लैपटॉप में लगा के देखता हूँ एक बार। और दोस्तों, यदि आप इसको जो है ख़रीदना चाहते हैं, तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क केबल। केबल तो लेना ही मत दोस्तों, वो वर्क ही नहीं करेगी। इसी तरह का आपको कैसेज जो है वो लेना है। तो ये देखिए हमारे जितने भी पार्टीशन थे हार्ड डिस्क में वो शो कर दिए इसमें। अभी मैं इसकी आपको स्पीड भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसका डाटा जो है वो निकाल रहा था। यह ओल्ड लैपटॉप था दोस्तों मेरा, इसमें विंडोज 7 जो मैंने इंस्टॉल करी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें डाटा जो ट्रांसफ़र कर रहा था मैं, तो मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो 18 MB/s चल रही है फिलहाल के लिए, लेकिन ये कभी कभी बढ़ भी रही है और कभी घट भी रही है, लेकिन फिर भी 18 MB/s चलती रहेगी। तो दोस्तों, यदि ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।